साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ पत्रकार साथियों ने जाते जाते कुछ सवाल पूछ लिए। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। एक कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक डीजीपी वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक डीजीपी, और लगातार कार्यवाहक डीजीपी होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो है जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, तो इतनी खबरें देखने को मिलती हैं। अभी नोएडा की खबर मैं पढ़ रहा था जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, कि पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई है महिलाओं को लेकर की। कानपुर में किशोरी से किया दुष्कर्म, आप खुद जानते हैं। आप बेटी से दुष्कर्म, पति का सुसाइड, कल रात को बस्ती का धरना चल रहा था। जब मैं लौट करके आया कार्यक्रम में, तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि बस्ती में एफआईआर लिखाने के लिए, पकड़े जाने के लिए पूरी जनता सड़कों पर है, महिलाएं बड़े पैमाने पर सड़कों पर है। और नोएडा की खबर तो बाद में बताऊं मैं, महिला वकील का घर के बाहर ही मर्डर हो गया। सरकार अब पता नहीं अपना पक्ष क्या बताएगी। इसी तरह नोएडा की मैं खबर ढूंढ रहा हूं, 5 महीनों में रेप के 88 केस, हर दूसरे दिन हुई वारदात। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के एक सांसद चौकी में घुस करके पूरी पुलिस को पीटा। बताओ पुलिस पिटी कि नहीं पिटी?